द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के बीच दंगा कराने की साजिशें भी काफी जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच जो खबर छत्तीसगढ़ से आई है वो हैरान कर देने वाली खबर है। मस्जिद में सुअर का कटा हुआ सिर किसी ने जानबूझकर साजिशन रख दिया ताकि माहौल बिगड़े और वहां दंगा फसाद हो जाए। यह खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैल रही है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय प्रशासन को भी टैग करके कहा जा रहा है कि इस मामले पर तुरंत संज्ञान लें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करें। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी खुलकर इस बार चुनावी सभाओं में मुसलमानों के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने लगी है, लोगों को बरगलाने का काम शुरू किया जाने लगा है, उस दरमियान कुछ अराजक तत्वों के द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम देना बेहद ही चिंताजनक और गंभीर मामला है। क्योंकि अगर माहौल खराब होता है तो इससे जान माल का भी भयंकर नुकसान होता है। ललन पोस्ट ने एक ट्वीट किया है, इसमें लिखा गया है, छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिले की एक मस्जिद में अराजक तत्वों द्वारा रखा गया सुअर का कटा हुआ सिर माहौल खराब करने का हो रहा प्रयास। इस खबर को हमने सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश की, मीडिया वेबसाइट्स पर भी तलाशने की कोशिश की, तो ट्विटर पर मुझे एक दो और ट्वीट ऐसे मिले, लेकिन वेबसाइट्स पर खबर नहीं है। ये खबरें अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के ऐसी घटनाएं दोहराती चली गई हैं। 2022 में बैक टू बैक ऐसी घटनाएं हुई थी, वो भी हम आपको दो रिपोर्ट दिखाएंगे, एक बार मई महीने में, एक बार दिसंबर महीने में। और कहा जाता है कि उस वक्त मस्जिद नहीं बनाने देने के लिए ऐसी साजिशें रची गई थी। लेकिन उससे पहले जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, पहले यह देख लीजिए। ललन पोस्ट के ट्वीट को हमने आपके सामने रखा है, लेकिन एक और देखिए। इकरार खान है जो सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ साइबर पुलिस को भी टैग करते हुए यह खबर दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने RUFC छत्तीसगढ़ के ट्वीट को शेयर किया है। इसमें एक तस्वीर है जो मस्जिद है दिखाई पड़ रही है, और यहाँ पर लिखा गया है, छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिले में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मस्जिद में रखा सुअर का कटा सर प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। महोदय, आरोपियों की पुष्टि और कड़ी कार्रवाई की जाए। इन्होंने इसी ट्वीट को इकरार खान ने दोबारा से रीट्वीट किया है, टेक्स्ट भी सेम रखा है, और यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई कार्रवाई को लेकर पुलिस या प्रशासन का भी ट्वीट आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ट्वीट नहीं किया गया है। RUFC छत्तीसगढ़ के ही ट्वीट को शेयर किया इकरार खान ने, सेम बातें लिख दी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी भी ऐसी कोई ठोस खबर नहीं आई है। छत्तीसगढ़ में सरकारें भी बदल चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है नारायणपुर। यहां पर चुनाव में कैसे माहौल खराब हो, इसके लिए नक्सली भी जुगत में रहते हैं। जो कांकेर लोकसभा क्षेत्र है वहां पर पुलिस ने एक सफलतापूर्वक कार्रवाई की, जिसमें बम धमाके की संभावनाओं को खत्म किया और नक्सलियों को वहां से भगाया है। यह रिपोर्ट भी आई है, ABP लाइव पर यह खबर भी है, जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर, क्योंकि माहौल बिगड़ने के दौरान कहां कहां क्या घटना हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ABP न्यूज ने लिखा है, कांकेर लोकसभा में मतदान से पहले जवानों ने नक्सलियों का कैंप किया ध्वस्त, बम बनाने का सामान बरामद। अब ये तस्वीर भी है जहाँ पर पूरी तैयारी चल रही थी। अब खबर को भी थोड़ा देखते हैं, एक ही पैराग्राफ देखते हैं, लेकिन पता चलेगा। नारायणपुर न्यूज, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर लोकसभा सीट में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले नारायणपुर पुलिस ने नक्सलियों के अस्थायी कैंप को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है। हालांकि यहां बड़ी संख्या में नक्सली की भी मौजूदगी थी, लेकिन जवानों के आने की सूचना मिलने पर पहले ही नक्सली कैंप छोड़कर भाग निकले। तो ये तो खबर हो गई कि नक्सलियों के द्वारा अगर माहौल बिगड़ता
तो पुलिस ने संज्ञान लेकर इस मामले में उचित कार्रवाई कर ली है। लेकिन जहां पर इस वक्त देश में पूरी कोशिश चल रही है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए, तो उस परिस्थिति में मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसे जो घटनाक्रम को अंजाम दिए जा रहे हैं, जहां पर अराजक तत्व जानबूझकर मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए सुअर का कटा हुआ सिर फिर से मस्जिद में रखाता है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी तक कोई ठोस एक्शन की खबर आई नहीं है, लेकिन इस दरमियान हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ नारायणपुर रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जो एक मस्जिद है, वहाँ बार बार ऐसी घटनाओं को दोहराने की कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही थी कि वहाँ मस्जिद नहीं बन सके। ये हम आपको पंजाब केसरी की रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ देखिए 12 मई 2022 की रिपोर्ट है और इसमें हेडलाइन में लिखा गया है, रायगढ़ सुअर का कटा हुआ सिर मस्जिद में फेंका, लिखी आपत्तिजनक बातें, मुस्लिम समाज में मचा हड़कंप। यहाँ थोड़ी रिपोर्ट भी देखिए, कहा जा रहा है रायगढ़ जिले के छाल थाना क्षेत्र के ग्राम बोधिया पंचायत में शरारती तत्वों ने निर्माणाधीन मस्जिद में सुअर का कटा हुआ सिर रख दिया। साथ में रखे एक पर्चे में आपत्तिजनक शब्द भी लिखे गए। सुबह जब मुस्लिम समुदाय के लोगों को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल छाल थाने में इसकी शिकायत की। मामले के पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 295A 507 के तहत अपराध दर्ज किया। ये रिपोर्ट तो आप देखिए कि ऐसी घटनाएं वहां किस कारण से होती है, केस तुरंत दर्ज होता है, संज्ञान लिया जाए, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या कहा गया है कि बोजिया पंचायत में मुस्लिम समुदाय के द्वारा पिछले कुछ दिनों से एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। इसी निर्माणाधीन मस्जिद के सामने ये घटना हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये किसी शरारती तत्व का काम है। मामले में समुदाय विशेष को समझाइश दी गई है, मामले की जांच की जा रही है। ऐसी कोई भी घटना हो तो शांति से विवेकपूर्ण तरीके से काम लेना चाहिए और जाकर सीधे प्रशासन को शिकायत करना चाहिए। भावनाएं आहत करने वाले हमेशा कोशिश करते हैं कि माहौल बिगड़े, लेकिन यहाँ पर सामने वालों को अपनी बुद्धि से और शांतिपूर्ण तरीके से काम लेने की हमेशा अपील की जाती है। आपने देखा कि ये पुरानी घटना है, लेकिन ठीक इसी तरीके की घटना नारायणपुर में या छत्तीसगढ़ के इलाके में दोहराई जा रही है। एक खबर और देख लीजिए, ये munadi.com की खबर है और यहाँ भी सेम खबर है लेकिन तारीख अलग है। ये 5 दिसंबर 2022 की खबर है कि दंगा भड़काने की साजिश उस वक्त भी हुई। हेडलाइन में लिखा गया कि अब रायगढ़ जिले में दंगा भड़काने की बड़ी साजिश, रात में मस्जिद में जानवर का कटा हुआ सिर फेंका, साथ में एक पर्चा और फिर वो रिपोर्ट इन्होंने दिखाई है कि बातें क्या है। फिर से बात वहीं पर आ गई कि छाल थाना अंतर्गत वही मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद। यहाँ कहा जा रहा है पूरे देश में नफरत की जिस तरह खाई पैदा की गई है, उसका असर आए दिन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। रविवार की रात जिले के सुदूरवर्ती गांव एक मस्जिद में सुअर का सिर फेंक कर पर्चा भी रखा गया, जिसमें आपत्तिजनक बातें लिखी गई। बताया जाता है कि छाल थाना अंतर्गत बोजिया गाँव एक निर्माणाधीन मस्जिद में रात को सुअर का कटा हुआ सिर फेंका गया है। जैसे इस बात की खबर लगी, पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गया। हालांकि इस विषय पर बात करने कोई पुलिस अधिकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस संबंधित फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। मतलब वो स्थिति यही है कि बार बार मुसलमानों को जानबूझकर आहत करने की कोशिश है कि कभी तो उनके सब्र का बांध टूटे, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कर रहते हैं। वो ऐसे मामलों में जानते हैं कि उन्हें उकसाने की कोशिश हो रही है, तो प्रशासन को इंफॉर्मेशन देकर इस मामले को शांत करने की वो भरसक कोशिश करते हैं। यह अच्छी बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।